ऐसा लग रहा हमारे घर की किसकी मम्मी है। मेरी बेटी जैसे इसमें कितना गरीब बेचारे लेके आए, जूते लेके आयो, कपड़े वहाँ छोड़ के आयो। तो दानिश का हेयर कट हो चुका है। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज आ गई हूँ मैं मेरे घर पर, बिकॉज आज मेरा था चेकअप डॉक्टर के पास। तो आज मुझे 5 दिन हो चुके हैं बेड रेस्ट करके, तो डॉक्टर ने बुलाए थे तो सोनोग्राफी रिपोर्ट भी निकाल ली थी मैंने। सो वो सब भी दिखा रहा था उनको, तो आज मैं गई थी वहाँ पर, तो वहाँ से भी आ गई हूँ मैं घर पर। तो डॉक्टर ने अभी माशाल्लाह से बोल दिए है कि अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है तुमको अभी फ़िलहाल के लिए। सो और सोनोग्राफी रिपोर्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है मेरी, सब नॉर्मल है। तो उन्होंने बोला अब तुम बेड रेस्ट से हट सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा। सो इसके लिए मेरे को खुशी जाहिर नहीं इतना मुड़े। सो दानिश गार्ड मैंने बोली कि मैं तुमको ब्लॉग में नहीं लूँगी, क्योंकि कब से चिड़ची चिड़ची कर रहा है, कुछ ब्लॉग नहीं बनाया मेरा। इसलिए मैं गुस्से में घर पर आ गई और यहाँ पर आके ब्लॉग स्टार्ट कर। सो जैसे कि आप लोग को पता है महक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, सो उसकी कल एंगेजमेंट है, तो मैंने उसको पहला ही मना कर दी थी कि मैं नहीं आने वाली, और हम लोग ने मना कर दिया था ना भैया कि हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि अचानक से मेरा एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में और बेड रेस्ट दे दिए थे डॉक्टर ने, तो मैंने मना ही कर दी थी। बट आज चेकअप था तो मैं आज उनसे परमिशन भी लेके आई डॉक्टर से कि मैं जा सकती हूँ क्या ऐसा, मतलब ज़्यादा देर तक बैठ सकती, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं, थोड़ी देर के लिए जाके आ सकते हो तुम। सो इसके लिए अभी हम लोग फाइनली जाएंगे इसकी एंगेजमेंट पे। सो आज उसकी तैयारी करना था, क्योंकि मैं इतने टाइम से मेरे घर पे ही थी, यहाँ पर आ रही थी, यहाँ पर पूरा मतलब कपड़े वपड़े सब ऐसे ही पड़े थे, और निकालना भी था, मेरे सब कपड़े इधर ही थे, तो अभी वो सब कपड़े निकाली मैंने, और अभी थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, फिर जाओगे अभी। दानिश जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो तुम? हेयर कट कराने। सो अभी हम लोग जा रहे हैं टॉनी एंड गाई में हेयर कट कराने के लिए, क्योंकि दानिश के बाल बहुत भूतने जैसे लड़की जैसे बढ़ गए आगे, अभी भी नहीं कटा रहे थे लेकिन मैंने जिद करी इनको तो कटा रहे। बड़े करके तुम करोगे क्या, मतलब क्या इतने गंदे लगते ना, सो के उठे तो पूरे गुज गुज वाले बाल हो जाते हैं इनके, तो इसके लिए मैं बोली हेयर कट करा लो तो इंसान लगोगे तुम थोड़ा। तो अभी जा रहे हैं हम लोग टॉनी एंड गाई में सो हेयर कट कराने के लिए, सो जाते हैं, मिलते डायरेक्ट आप लोग को वहाँ पर। सो गाइज हम लोग पहुँच गए थे टॉनी एंड गाई जो तारदियों पे है हाथ जेली के पास। सो वहाँ पर पहुँच के दानिश का हेयर कट चालू हो चुका था, हफ्ते में फिर मैं बैठी थी ऐसी, तो मुझे बोले कि लाओ तुम्हारा फुट मसाज कर देते हैं। सो मेरा फुट मसाज हो रहा था, उतने में दानिश का हेयर वॉश भी हो गया, हेयर वॉश के बाद हेयर ड्राई भी कर लिए और बाल पूरे सेट हो गए। तो दानिश का हेयर कट हो चुका है। मेरी सर्विस कराने का खुद ही करने का, मुझे कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस मिली है। मैं ऐसी बैठी थी तो उन्होंने बोला कि लॉक कर देती फोन। सो फाइनली हम लोग का हो चुका है सर्विस जेंट्स, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई। जो फुट मसाज दे रहे थे ना यो ऐसा और ये इंसान बन गया जानवरों से, कब से बोल रही हेयर कट करा लो तो नहीं कराते, और इनको यहाँ का ही जमता है हेयर कट, इसके लिए यहाँ पर आने के लिए। तो गाइस मैं आ गया हूँ घर पे, मैं बाल कटा के, अभी मम्मी से पूछते मेरे बाल कैसे लग रहे, मेरी बहन से पूछते कैसे लग रहे, मेरे भांजों से पूछते कैसे लग रहे। तो पहले जाते हैं छोटे से, नहीं पहले जाते हैं बड़े से छोटा। चलो चलो मम्मी मिल गए। मम्मी ऐसा लग रहा है बाल मेरे, माशाल्लाह इंसान लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, नंबर वन इंसान लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइस मैं जानवर से इंसान हो चुका हूँ, इंसान तो था पहले से, हाँ खरगोश बन गया, पर मोटा भी दिखता है, मोटा दिख जाए तो अच्छा है। चलो अच्छा, हाँ चलो अच्छा, मैं हर माँ को अपना बच्चा अच्छा ही दिखता है ना, सही बात है ना। चलो अभी अभी एक हमारे घर में एक है बड़ी अम्मा बोलते हैं उसको, अच्छा सबसे बड़ी अम्मा हमारे घर की। तो कैसा लग रहा है मेरे बाल? कैसा लग रहा है? अबे तो पेंटो बना ले, पेंटो सिला ले या दो, स्टाइल है वो, हाँ स्टाइल है वो, फैशन है फैशन आजकल का। अच्छा अरकान कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब्बा जब्बा ओ जब्बा कैसा लग रहा है? जब्बा नंबर 3 है, नंबर 3, नंबर 1 कौन है फिर? नंबर 1 कौन है फिर? मैं हूं। और नंबर 2nd कौन? से भाई एक बात ही है, देखिए गाइस बच्चों लोग को ही मालूम है लोगों को पहला नंबर ही होने का, और तो नंबर 4 चल जाएगा। गाइस अभी आ गया था घर पे मैं, अभी अंकल से पूछते मेरा हेयर कट कैसे लग रहे, अंकल कैसे लग रहे मेरा हेयर कट? ऐसा
मगर तुम्बे से बाहर नहीं रहा मेरे बाकी एक चीज अंकल को नहीं मिली अभी भी वो टाइम हो गया अंकल ढूंढा मैं अभी तक अंकल को मिला नहीं हो वो है भी नहीं ऊपर ने वो चीज बंद कर दी क्या बोल रहे थे हाँ हाँ समझ जाएगा इशारा काफी ना इसलिए मैं इसलिए मेरा वर्ड नहीं काले बाल के क्या काले बाल के ऐसा लग रहा हमारे घर की किसकी मम्मी है घर की बच्ची है ना वो तो नहीं मतलब एकदम कजिन भाई कजिन बहन की होती है ना एकदम खास है इसके लिए कजिन ने मेरी बेटी है इसके इसमें कितना गरीब बेचारे हाँ अच्छा फंक्शन में वही रात को रुकती थी चलो अभी तुम्हारा बहुत हो गया हाँ चलो अभी तुम्हारा बहुत बना लिया अभी तुम्हारा बहुत बना लिया अभी तुम्हारा बहुत बना लिया एक बात आप बताने की बताओ बताओ ये सस्पेंस हो गया अभी नहीं अब्बा ने कल बोले कि मैं बताऊंगा मैं बोला था कहीं ब्लॉग में बोलना बोलो बोलो अभी नहीं बोलो अभी जाने की खाई है थोड़ा दुआ करो काम हो जाए इंशाल्लाह तुमको एक खबर आप दूंगा हां देखिए जल्दी अरे वो तो जब तुम एंट्री किए थे ना घर में तभी उन्होंने देखे हां जब ये बोले आंटी कैसा लग रहा हूं मैं इंसान बन के इंसान थैंक यू अंकल तुम्हारे बाल क्यों गए आंटी सही है ना मगर आंटी के बाल कैसा गया चिकोटी रैबिट रैबिट बाल कला काले गिरा तो सही मारा खाना पड़ता है तो मैं कपड़े लेके आ गया तुम्हारे बहुत सारे पकड़ो कल जाने का अपने को ये देखो चलो तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़े शायद भूल गया मैं आपको व्हाइट हो ना व्हाइट व्हाइट इसके लिए कुर्ता भी लेके आए वाह वाह जूते लेके आयो कपड़े वहाँ छोड़ के आयो कितना दिमाग है तो बोला ना ये झूठ में से निकला बच बचा के निकला क्या यो तुमने मेरे को कहा थैली ले लेना तो थैली सब लेके आया हाँ मैसेज भी कि तुम्हारे कपड़े चेयर पे पड़े अभी इतना टाइम नहीं है मैसेज खोलो पढ़ो फिर उठाओ मैं जब तक वापस हल्ली में पहुंच गया था इसका ना वर्क बहुत कीमती है वर्क 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 नहीं मिनट है वर्क वर्क बहुत कीमती वर्क तो हमेशा लोगों के साथ रहता है उसे कामयाब करना अपने चलो शायद बहुत हो गया